नमस्कार मेरे प्यारे छात्र छात्रों, आज तीसरा गद्य का शुभारंभ करेंगे। तीसरा गद्य का जो नाम है गंगा मैया से साक्षात्कार। उसका रचनाकार डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी। ठीक है, यहां पर आप समझना चाहिए कि गंगा मैया यानी माता, गंगा माता से साक्षात्कार यानी एक ना एक तरह सबक और बहुत बढ़िया विचार गंगा मैया से हमें पता चलता है। इसको हम दिया हुआ जो शीर्षक से हम समझ सकते हैं, उसका सविस्तार विचार को डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी के गद्य को हम सब मिलकर अध्ययन करने से उसका सविस्तार यानी कथा वस्तु या सारांश हमें पता चलता है। मेरे तरुण तरुणियों, आप ध्यान से उसको यानी पाठ्यक्रम को यानी पाठ्यक्रम में रहने वाले तीसरा गद्य का जो नाम है गंगा मैया से साक्षात्कार, इस गद्य को आप किताब में खोलकर बहुत ध्यान से केवल 50 या 60 मिनट तक सुनिए। आप सुनते हैं मानकर शुभारंभ करना चाहता हूं मेरे तरुणा तरुणियों। लेखक परिचय। हिंदी साहित्य में ख्याति प्राप्त हास्य रस के कवि एवं लेखक बरसाने लाल चतुर्वेदी जी का जन्म 15 अगस्त 1920 को मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ। आपने हिंदी साहित्य में हास्य रस पर पीएचडी की तथा आधुनिक काव्य में व्यंग्य पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की। आपका व्यंग्य हास्य के चटखारे लिए रहता है। आपने काव्य निबंध एवं कैरिकेचर रूपों को व्यंग्य के लिए अपनाया। आपने लेखन का प्रारंभ हास्य से किया, परंतु अनुभव में वृद्धि के साथ साथ व्यंग्य की मात्रा अधिक होती गई। डॉक्टर बुलेंदु शेखर तिवारी के शब्दों में बरसाने लाल चतुर्वेदी जी का व्यंग्य लेखन हंसाता है और विसंगतियों के प्रति सचेत भी करता है। आपके उल्लेखनीय योगदान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, हिंदी अकादमी आदि संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। यह है डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। प्रसिद्ध रचनाएं भोला राम पंडित की बैठक, मिस्टर छोकेलाल यानी चोखेलाल बुरे फंसे, मिस्टर खोये खोये, हास्य निबंध संग्रह आदि। प्रस्तुत यानी गंगा मैया से साक्षात्कार नामक गद्य मुसीबत है नामक संग्रह से लिया गया है। लेखक ने इसमें गंगा मैया के माध्यम से आज के भ्रष्टाचार, महंगाई और धर्म के नाम पर होने वाले डकोसलों पर व्यंग्य किया है। मेरे नवा युवक युवतियों, और एक बार ये वाक्य को मैं दोहराना चाहता हूं, गंगा मैया के माध्यम से
आज के भ्रष्टाचार, महंगाई और धर्म के नाम पर होने वाले डकोसलों पर व्यंग्य किया है। देखिए आजकल कहीं भी देखो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, एक रुपए से लेकर एक करोड़ तक भ्रष्टाचार के अलावा हम व्यवहार करना या कराना मुश्किल हो गया है मेरे तरुणा तरुणियों। उसके साथ साथ महंगाई है ना, इंक्रीज द प्राइस। कहीं भी देखिए आज का मूल्य कल नहीं रहेगा, कल का मूल्य परसों नहीं रहेगा, इस तरह बढ़ते जाते रहता है, कम की बात ही नहीं है, है ना। उसी तरह धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बौद्ध फारसी सिख के नाम पर अज्ञान से लोग आपस में झगड़ा करते हैं। ये झगड़ा करना उचित है क्या? जरा आप ही सोचिए मेरे तरुणा तरुणियों, क्यों झगड़ा करना? उनके यानी अपने अपने धर्म के मुताबिक उन्होंने घर के अंदर यानी घर में आचरण करते हैं, घर के बाहर हम सब वसुंधरा माता की संतान मानकर हम काम करके आगे बढ़ना चाहिए मेरे नव युवक युवतियों। आज की ज्वलंत समस्याओं से विद्यार्थियों को अवगत कराने के उद्देश्य से इस पाठ का चयन किया गया है। अवगत अवर वेरी मच एंड लविंग पीपल्स आर शुड नो अबाउट दिस फील्ड, दैट्स वाई पोएट यानी डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी ने व्यंग्यात्मक यानी इनडायरेक्टली उसका यानी उसके बारे में हमें बताना चाहते हैं। डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, निर्देश या अनिर्देश के अंतर्गत क्यों ना हो, विचार जो है समाज में उसको हम अवगत समझना चाहिए। आजकल क्या हो गए हैं, स्पून फीडिंग के जैसे, चाहे 16, 17, 18 या 20 तक यानी 20 उम्र तक रहने वाले छात्र छात्राएं घर से बाहर जाके खुद का काम खुद करके वापस नहीं आने की वातावरण में हम बढ़ रहे हैं। इसका मूल कारण आप नहीं है मेरे नव युवक युवतियों, आपके माताजी पिताजी डर के मारे हर विचार को डर रहे हैं। आजकल के पोषक गण, डरना नहीं है। जब हमारे बेटा बेटियों को आजादी से मुक्त वातावरण में उसको छोड़ना चाहिए, छोड़ने के बाद उसका अवलोकन करके हम रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, तब उनके लिए थोड़ा सा हौसला यानी धैर्य अपने आप आ जाता है। नहीं तो उनके पीछे शादी करने तक हम उनके पीछे रहना चाहिए, अगर बेटी हो तो शादी होने के बाद उनके पति महाशय उनके पीछे रहना पड़ता है। इस तरह का जो डरपोक का जो वातावरण हमारे प्यारे बेटा बेटियों को हम नहीं सिखाना चाहिए, नहीं मौका देना चाहिए। इसलिए मेरे
पोषक गण जैसे डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी कहते हैं ना, उस तरह हम हमारे बच्चों को बताना चाहिए, क्योंकि चलने वाले ही गिरते हैं, गिरते ही कुछ हो गया मानते हैं हम, ऐसा नहीं मानना चाहिए। गिरना चाहिए, उठना चाहिए, तब ही छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे गिरते हैं, उठते हैं, दीवार पकड़ते हैं या टेबल मेज पकड़कर सीखते हैं, तब ही वो कम से कम 2.5 साल के बाद या 2 साल के बाद ठीक तरह उन्होंने पैदल चल सकते हैं। उस तरह जीवन में भी हमारे बेटा बेटियों को इस तरह का माहौल को, माहौल में या माहौल से डर कर जीने के लिए हम नहीं कहना चाहिए, डराने के रीति में हम उनको प्रशिक्षण देना उचित मानकर गद्य का पूरा विवरण को जानने के लिए शुरू करेंगे, यानी अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए मेरे तरुणा तरुणियों, मकर संक्रांति के दिन इलाहाबाद में ही था, गंगा मैया के निजी सचिव से 2 मास पूर्व ही समय ले चुका था। माँ मंदिर में विराज रही थी, चेहरे पर उदासी थी। मैंने जाकर माँ के चरण छुए, पास में ही एक मृग चाला पड़ी थी, मैं बैठ गया, प्रश्न लिख कर ले गया था। उन्होंने उत्तर बड़े ही स्नेह भाव से दिए, पूरा इंटरव्यू प्रस्तुत है। याने मृग छाला क्या होगा, क्या होता है? हिरन की खाल जो कहते हैं, उसमें ये याने लेखक कह सकते हैं या एक लड़का कह सकते हैं, वो बहुत बढ़िया प्रश्न लिख कर माँ को दे दिया। माँ इतना स्नेह भाव से उसको जवाब देती है कि इंटरव्यू प्रस्तुत है मेरे बेटा, तब तुम्हारा प्रश्न के लिए उत्तर यानी जवाब दूंगा। हाँ, देखिए प्रश्न। माताजी, कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आप में भी प्रदूषण प्रवेश कर रहा है। देखिए प्रदूषण आप सबको पता है, वायु प्रदूषण, शब्द पोल्यूशन, इस तरह आदि आदि जो प्रदूषण के बारे में हम जानते हैं, यहाँ पर व्यंग्य के रीति में वो पूछ रहा है कि प्रदूषण यानी भ्रष्टाचार के नाम के प्रदूषण। उत्तर, वत्स यानी बेटा, तुमने ठीक ही सुना है, मेरे स्वयं समझ में नहीं आ रहा कि यह क्यों हो रहा है। देखो माँ को ही, गंगा मैया को ही समझ में नहीं आ रहा है कि ये भ्रष्टाचार क्यों फैल रहा है। प्रश्न, आप में तो वह शक्ति है कि प्रदूषण अपने आप समाप्त होता जाता है। उत्तर, जो भी यह कहते हैं वे उल्लू ही नहीं, उल्लू के आस्थावान शिष्य भी है। देखिए माँ कितने बढ़िया जिम्मेदारी युक्त जवाब दे रही है या देती है। प्रश्न, तब और क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर, वत्स, देश का वातावरण ही जब प्रदूषित हो गया तब मैं कैसे बच सकती थी। देखो आम जनता ही खतरे में पड़े हैं,
उसमें से मैं अकेली क्या कर सकती हूँ बोलो। प्रश्न, आप ठीक ही कह रही हैं, चरित्र का संकट चर्चा का विषय तो बना हुआ है, चरित्र का संकट। उत्तर, बेटा मेरा वो अंग ही तो था, यह इसलिए कह रही हूँ कि वो अब अतीत की वस्तु हो गया, अतीत पुराना अतीत। एक दिन मेरे पास आया था, बहुत ही दुखी था, मैंने उसे ढाढ़स बंधाया, ढाढ़स धैर्य, किंतु उसके आंखों से आंसू निकलने बंद नहीं हुए। उतनी व्यथा हो गए हैं इसलिए। प्रश्न, अब चरित्र भैया कहाँ हैं? उत्तर, मुस्कुराते हुए, बेटा शब्दकोशों में उसका नाम शेष है, उपदेशकों के प्रयोग में भी आ रहा है, मास्टर लोग भी छोटी कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कभी कभी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है ये शब्द सिर्फ प्रयोग करने के लिए, हमारा जीवन में अपना कर यानी लागू करके बिताने का जो नहीं है, गुजरने का नहीं है। प्रश्न, चरित्र के अस्तित्व को किसने मिटाया? उत्तर, सेवा करने से चरित्र बनता था, सेवा रानी को भी मार कर जाने कहाँ भगा दिया। समझिए मेरे तरुण तरुणियों, अब तो सब सेवा बटोरने में लग गए, सेवा ही परमो धर्म के स्थान पर लोग मेवा ही परमो धर्म कहने लगे हैं। देखो, पहले सेवा मनोभाव से काम कर रहे थे, मगर आजकल मेवा, मेवा यानि खाना के लिए, यानि पैसा, यानि अन्य अलग अलग तरह के अंतर्गत रहने वाले चीजों को कमाने के लिए मेवा कहते हैं। मेवा ही परमो धर्म, उच्च धर्म मान रहे हैं आजकल, मगर ये भगवान के मुताबिक, ईमानदारी के जो मुताबिक, वो बिल्कुल गलत है। प्रश्न, माँ आप सच कहती हैं, हाल ही में एक राज्यपाल ने इस प्रकार के भाव व्यक्त किए थे कि पूरे कुएं में ही भंग गुल गई है, तू ना कहा मेरी और मैं ना कहा तेरी, यानी कहूँ तेरी। देखो, आप जो भ्रष्टाचार करते हैं उसके सामने रहने वाले नहीं कहना चाहिए, अगर सामने वाले जो करते हैं उसके बाजू में यानी सामने रहने वालों को वो देखना नहीं, सुनना नहीं है या बोलना नहीं है, ऐसा वातावरण यानी वातावरण में हम सब हैं। किसने पैदा किया इस तरह का जो वातावरण? हम ही। अगर हमारा काम तुरंत कराने के उद्देश्य से हम क्या करते हैं, पैसे देते हैं, हमारे पास तो कुछ लोगों के पास पैसे जो रहते हैं वो दे देते हैं, मगर दूसरों के पास अगर पैसा ना रहने वाले या गरीब लोग क्या करना। मगर इनको तो आदत में आ ही रहता है कि पैसे के बिना काम नहीं करके देना, इसीलिए उनके पास जो आएगा, धनवान या गरीब, उनको क्या चाहिए, समथिंग पैसा चाहिए। अंडर द टेबल का व्यवहार यानी बिजनेस करना शुरू करते हैं। बेटा सत्य तो निर्भय है, उसे किसी का डर नहीं,
वह तो स्वयं बोलता है, तुझे कैसा लगता है? व्यापारी मुझ में स्नान करके जाते हैं, मुझ में यानी भ्रष्टाचार में मेरी जय का नारा लगाते हैं, तिलक छापे लगाते हैं और बाद में और ना जाने क्या क्या करते हैं। गंगा मैया यानी गंगा माता को ही पता नहीं। देखो किस तरह है प्रश्न, माँ आपने बिल्कुल मेरे मन के भावों को अभिव्यक्त दिए हैं, मन के भाव जो है ना उसका अभिव्यक्त दिए हैं, यह असंगति क्यों? उत्तर, बेटा वे समझते हैं कि वे कैसे भी कर्म करें मैं उन्हें तार दूंगी, प्रदूषण तो चुआचूत का रोग है, जनता को कष्ट देकर मेरी शरण आते हैं और मेरे निर्मल जल को मलिन करते हैं। देखो मनुष्य कहीं भी जाए उनका पहला जो काम है मलिन करना। अगर कानन में जंगल में इतना देखने में इतना सुंदर दिखता है कानन यानी जंगल, मगर एक दिन दो तीन आदमी मिलकर जंगल में जाए तो प्रदूषण यानि मलिन करके ही वापस आते हैं। पीने के लिए जो बोतल लेके जाते हैं पीने के बाद उधर ही हम फेंक के आते हैं, खाने का जो पार्सल वगैरह जो लेके जाते हैं ना वो खाने के बाद कहीं ना कहीं अंधा धुंधा फेंक के वापस आते हैं और ना जाने क्या क्या फेंक कर वापस आते हैं, भगवान ही जानते हैं। इसलिए मनुष्य कहाँ जाएगा वहाँ पर मलिन ही मलिन यानी गंदा ही गंदा। उत्तर, बेटा वे समझते हैं कि वे कैसे भी कर्म करें मैं उन्हें तार दूंगी, प्रदूषण तो चुआचूत का रोग है, जनता को कष्ट देकर मेरी शरण आते हैं और मेरे निर्मल जल को मलिन करते हैं। प्रश्न, हाँ माँ अपने देश में धर्म को जीवन से अलग कर रखा है, आज तो निर्मलता और पवित्रता आनी चाहिए किंतु ऐसा नहीं होता। जब तक गीता आदि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं करते तब तक अपेक्षित सुधार नहीं हो सकता, इस कार्य को कैसे किया जाए? गीता भगवद गीता यानी अपने अपने धर्म के मुताबिक रहने वाला पवित्र ग्रंथ जो मानते हैं वो ग्रंथ के मुताबिक यानी ग्रंथ में रहने वाले सार को समझकर अपना जीवन में लागू करके जब तक हम नहीं जाते तब तक इस तरह का जो मलिन वातावरण में ही हम बढ़ना पड़ता है। उत्तर, बेटा देख रही हूँ महंगाई रिश्वतखोरी और पाशविकता बढ़ती चली जा रही है। देखो महंगाई रिश्वतखोरी अंडर द टेबल बिजनेस लंचा और पाशविकता बढ़ती चली जा रही है यानी पशुवत आचरण, इनका कोई अंत दिखलाई नहीं देता। धर्म का भी व्यापारीकरण हो रहा है। राजनीति के बारे में तो गिरा आ नयन नयन बिनु बानी, आपस में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे नगर पालिका के स्कूल की कक्षा एक के बच्चे। उदाहरण के अंतर्गत कर्नाटका के विधानसभा में ले लो या केंद्र में रहने वाला जो केंद्र सरकार के अंतर्गत जो चर्चा करने के लिए जो बैठते हैं राज्यसभा हो या केंद्र सभा जो कहते हैं ना उस तरह के अंतर्गत रहने चर्चा करते समय नगर पालिका के स्कूल के एक के बच्चे यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हाउ दे आर इंटरनली क्वारल नो लाइक दैट ओनली दे आर बिहेविंग। That's why must and should first we know about valuable things, valuable matter.
प्रश्न, दल दल से लड़ता है, दलों में अंदर भी लड़ाई चलती है जो दल दल पैदा करती है। पार्टी पार्टी के बीच में, ग्रुप ग्रुप के बीच में। उत्तर, बेटा कारण अलग अलग बताते हैं पर असली झगड़ा कुर्सी का है। कुर्सी कुर्सी यानी पावर, सबको चाहिए पावर, बिना मेहनत बिना परिश्रम पैसा आना चाहिए। वैसा सब लोग सोचते हैं, सब लोग चाहते हैं कि व्हाइट कॉलर जॉब कैसे मिलेगा, थोड़ा मेहनत करो ना तब कुछ ना कुछ मिल सकता है। प्रश्न, कुर्सियां तो बाजार में खूब उपलब्ध हैं, सस्ती और महंगी से महंगी। ये व्यंग से कह रहे हैं मेरे नवा युवक युवतियों। कुर्सी उदाहरण के अंतर्गत शिवमोगा में नेहरू रोड या गांधी बाजार जाए तो वहाँ पर आपको मनपसंद कुर्सियाँ तो सस्ते का भी मिलेगा, महंगे का जो मिलेगा वैसा डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी कह रहे हैं या उदाहरण दे रहे हैं। उत्तर, बचिया के ताबो मुस्कुराती है, कुर्सी से मेरा मतलब शक्ति और शक्ति माने वैभव, धन सम्मान कीर्ति आदि। तुझे अभी इसका स्वाद नहीं मिल पाया, एक बार जबान पे चढ़ जाए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता, ये छिन जाए तो व्यक्ति ऐसा भटकता है जैसे मजनू लैला के पीछे लगा लगा घूमता था। देखो कितना बढ़िया मिसाल यानी उदाहरण लेखक जी जो दे रहे हैं। अगर प्रेम में, प्रेम रूपी चक्र व्यूह में कौन पड़ेगा, लड़की के पीछे लड़का, लड़का के पीछे लड़की, घूमते हैं ना उस तरह घूमते रहते हैं। प्रश्न, आपने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए, ज्ञान रूपी आंख। यह भी सुनाई पड़ रहा है कि हमारे वंदनीय लोगों में से कुछ डाकुओं से मधुर संबंध बनाने लगे हैं। डाकुओं से पता नहीं कहाँ तक सच है। उत्तर, जीवन मूल्यों का जब अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तब यही परिणाम होता है। तुम मेरे प्रदूषण की बात करते हो, तुम यानी उस दिन दक्षिण की कावेरी बहिन मिली थी, वह बता रही थी कि हाल ही में एक सर्प ने एक मनुष्य से संपर्क हो जाने के कारण आत्महत्या कर ली। देखो भ्रष्टाचार में जो रहते हैं वो एक ना एक दिन सजा तो भुगतना ही पड़ता है। मेरे तरुण तरुणियों, ये सोचना चाहिए, मुफ्त में जो मिलते हैं उसको लेते जाने से हमारे लिए खतरा जरूर। इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं मेरे तरुण तरुणियों, ईजी टू गेट ईजी टू गो। इसको हम समझना चाहिए मेरे मित्रों। प्रश्न, सच मां मनुष्य इतना क्यों गिर गया, यानी ईमानदारीपन को खोकर क्यों पैसे के पीछे पड़े पड़े रह गए। जमीन ना मिलने पर एक सुपुत्र ने अपनी मां को समय से पूर्व ही इस भौतिक संसार से मुक्ति दिला दी। माँ को खून किया या कराया बेटा, इस तरह का जो उदाहरण हमारे समाज में बहुत मिलते हैं, वो भी मेरे पोषक गणा मित्रों, आप गलत मत समझिए, बड़े बड़े अमीर रोम के बच्चे ही अपने माता पिता को या बूढ़ा बूढ़ी को इस तरह का जो सजा देकर, पैसा हो सोना हो चांदी हो जो भी हो, लेके मजा करने जाते हैं अपना मित्रों के साथ।
जब काली हो जाएगा ना तब वापस आते हैं फिर वहीं पे। नतीजा देखिए, उत्तर, बेटा तुम देख रहे हो हरिजनों पर कैसे अत्याचार हो रहे हैं। ये देखिए मेरे समाज में रहने वाले चिंतनशील युक्त लोगों के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि हरिजन कहते हैं किस लिए, काम कराने, मगर उनके बिना ऊंचे वर्ग में रहने वाले लोग अपने आप जीवन नहीं बिता सकते हैं। घर के सामने झाड़ू मारने, पानी डालने या घर का छोटे मोटे काम करने ये हरिजन चाहिए, मगर हरिजन के बारे में, तरक्की के बारे में कोई सोचना नहीं चाहते हैं। ये हमारा दौर्भाग्य की जो बात है मेरे तरुण तरुणियों, ये मेरे कैसे भक्त हैं कि अपने ही भाई बहनों को मौत के घाट उतार रहे हैं। मुझ में प्रदूषण आने के लिए ये सब घटनाएं क्या काफी नहीं है, काफी यनफ। प्रश्न, क्षमा करो माँ, आपने जितना समय दिया था उससे अधिक मैंने ले लिया। अंतिम प्रश्न, उत्तर और दे दे, भविष्य में क्या संभावनाएं हैं। उत्तर, बेटा प्रकृति सर्वशक्तिमान है, ऐसा पहले भी हुआ है। पतन की जब पराकाष्ठा हो जाती है तभी पुनः उत्थान की किरणें फूटती है। देखो पराकाष्ठा, पूरा का पूरा सत्यनाश या सर्वनाश कहते हैं ना, उस तरह होने के बाद ही दोबारा उसका शुभारंभ हो सकते हैं करके हमारे गंगा माता गंगा मैया कह रही है। माँ बहुत बहुत धन्यवाद। वो वत्स यानी बेटा का प्रश्न के लिए माँ जवाब दिया ना, इसलिए आप सबको बहुत धन्यवाद। अब तक मेरे तरुण तरुणिया इतने ध्यान से तल्लीनता के साथ आप सुन रहे थे ना, इसलिए आपको भी मेरे तरफ से धन्यवाद। ठीक है, उठिए मत और 10 मिनट बैठिए, प्रश्न के लिए उत्तर मैं बताऊंगा, पटापट लिखते जाइए। पहला प्रश्न, लेखक ने किन से साक्षात्कार लिया है? गंगा मैया से। दूसरा, लेखक मकर संक्रांति के दिन कहाँ थे? इलाहाबाद। माँ कहाँ विराज रही थी? मंदिर। माँ के चेहरे पर क्या थी? उदासी। किसका संकट चर्चा का विषय बना हुआ है? चरित्र का संकट। और एक बार कह रहा हूं, चरित्र का संकट। हिज्जे की गलती के बिना आप सभी जरा ध्यान से लिखने के बारे में सोचिए। गंगा मैया ने सत्य को क्या कहा है? निर्भया। किसका व्यापारीकरण हो रहा है? धर्म। असली झगड़ा किसके बारे में है? कुर्सी यानी कुर्ची। मनुष्य के कुकर्मों पर कौन हंसने लगे हैं? पशु पक्षी। गंगा मैया ने किसे सर्वशक्तिमान कहा है? प्रकृति, नेचर, प्रकृति। पुनः उत्तान की किरणें कब फूटती हैं? पतन की जब पराकाष्ठा हो जाती है तब पुनः उत्तान की किरणें फूटती है। मेरे मित्रों के जैसे रहने वाले नव युवक युवतियों, ये सारे 11वां जो प्रश्न के लिए उत्तर मैं बता चुका हूँ, आप बहुत ध्यान से लिखिए, बहुत अच्छी तरह, गलती के बिना, हिज्जे के बिना अगर लिखे तो आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिलने की जो संभावना रहते हैं।
क्योंकि आपको पता है या नहीं है, मुझे तो पता नहीं है, मगर इस बार सेकेंड ईयर में हिंदी में आउट ऑफ आउट 100 अंक के लिए 100 अंक लिए हुए एक लड़की हैं। उसी तरह आप भी 100 अंक के लिए पूरे 100 अंक लेने के इरादे यानी दिलचस्पी के साथ साथ लिखना बहुत बढ़िया जो सीखते हैं उनके लिए हम इस तरह की जो प्रतीक्षा रख सकते हैं। आप भी उम्मीद के साथ बहुत बढ़िया लिखने की पढ़ने की जो काम कीजिए। दूसरा मेन प्रदूषण के संबंध में गंगा मैया ने क्या कहा। पहला जो पेज नंबर 25 में जो है उसको आप चरित्र का जो संकट जैसे शब्द आएगा ना वहां से थोड़ा चुन चुन कर आप लिखिए। दूसरा समाज में कौन कौन सी समस्याएं बढ़ रही हैं, देखो इसी तरह पेज नंबर 26 में जो है उसको आप महंगाई रिश्वतखोरी और पाशविकता बढ़ती चली जा रही है वैसा जो है ना उसके आगे पीछे रहने वाला उत्तर को आप लिखिए। गंगा मैया का कुर्सी से क्या अभिप्राय है, देखिए पेज नंबर 26 में लास्ट पैराग्राफ में जो है और उसके आगे पीछे वाले जो पंक्ति में जो है यानी 1, 2, 3, 4 चौथा स्टैंजा कह सकते हैं। कुर्सी से मेरा मतलब शक्ति और शक्ति माने वैभव धन सम्मान आदि कीर्ति आदि जो है ना उस पैरा 2-3 पंक्तियां जो है ना उस पंक्ति को पूरा का पूरा लिखे तो बस हो ही गया आपका नोट्स तैयार हो गए। ससंदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए, ये 5 है, 5ों को भी कैसे लिखना मैं पहले से ही बता चुका हूँ, उसी तरह आप ध्यान से लिखिए। नेक्स्ट चौथा मेन वाक्य शुद्ध कीजिए, मैंने जाकर माँ की चरण छुए, उसमें एक ही गलती है उसको सही करके लिखना है, माँ की जो है ना की के बदले के लिखिए बस। दूसरा वह एक दिन मेरा पास आया था, मेरा के बदले मेरे, उसे किसी की डर नहीं है, उसे किसी की के बदले का किसी का डर नहीं, पाशविकता बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला है ना उसको बढ़ती चली लिखना है। नेक्स्ट मैंने कभी भेदभाव नहीं की है, की के बदले किया लिखना बस। पांचवा मेन कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए, उत्तर भी वही है प्रश्न भी वही है। पहला प्रश्न का उत्तर डैश करने से चरित्र बनता है, ओह वेरी गुड, वो बीच वाले कह रहे हैं देखो सेवा, वेरी गुड, देखो कितना बढ़िया, इसका मतलब है ध्यान से सुन रहे हैं आप, वेरी गुड बढ़िया। दूसरा चेहरे पर डैश थी, ओह एक से बढ़कर एक उत्तर दे रहे हैं मेरे तरुण तरुणियों, वेरी गुड उदासी। तीसरा उस दक्षिण की डैश बहन मिली थी कावेरी, देखो कितना मैं कह के दिया क्या, नहीं है ध्यान से सुने तो अपने आप आ जाएगा इसी तरह। नेक्स्ट डैश तो बाजार में खूब उपलब्ध है, कुर्सी देखो वो अभिनय करके दिखा रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट सिक्स्थ मेन निम्नलिखित वाक्यों को सूचना अनुसार बदले यानी काल के बारे में, सेवा करने से चरित्र बनता था वर्तमान काल में लिखिए, सेवा करने से चरित्र बनता है, था के बदले है लिखिए बस। नेक्स्ट दल दल से लड़ता है भविष्यत काल में लिखिए, दल से दल लड़ेगा, क्या है लड़ेगा, असली झगड़ा कुर्सी का है भूतकाल में लिखिए, है के बदले था लिखिए,
असली झगड़ा कुर्सी का था। वेरी गुड। अन्य लिंग रूप लिखिए, लिंग बदलिए, सचिव सचिवा। देखिए सिर्फ वा है ना, उसको वा लिखिए बस, सचिव सचिवा। ठीक है, नेक्स्ट वत्स वत्सा, शिष्य शिष्या, उपदेशक उपदेशिका, राज्यपाल राज्यपाले या राज्यपाल लिख सकते हैं। विलोम शब्द लिखिए, पवित्र अपवित्र, सस्ता महंगा, ज्ञान अज्ञान, दुख सुख, उत्तान पतन। ये है। नेक्स्ट लास्ट में निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कीजिए। देखिए छात्रों, ये आपको लिख के दिखा रहा हूं, उपसर्ग को जोड़ के कैसे लिखना। उदाहरण के अंतर्गत मान शब्द दिया गया है, उसको उपसर्ग जोड़ के लिखना चाहिए, इसीलिए उसको अपा प्लस मान इज इक्वल टू अपमान, ऐसा लिखना चाहिए मेरे छात्र छात्रों। दूषण प्रा प्लस देखिए छात्रों, इस तरह आप बढ़िया लिखना चाहिए। हाँ, उदाहरण नेक्स्ट भया आ प्लस भया अभया, पुत्र सुपुत्र या कुपुत्र, कीर्ति अपकीर्ति या सत्कीर्ति, कर्मा कुकर्मा या सत्कर्मा। इस तरह लिखने से आपका बढ़िया नोट्स तैयार हो गए। इतना ही है, इसके बाद आप एक आधा घंटा घर में कॉफी या चाय पीने के बाद जरा रेस्ट देके मेंटल को यानी दिमाग को मस्तिष्क को देकर आप दोबारा पढ़ने बैठिए, लिखिए, अपने आप अपना वो नोट्स तैयार हो जाएगा। ठीक है मेरे तरुणा तरुणियों, इसके साथ ये तीसरा जो गद्य यानी गंगा मैया से साक्षात्कार जो थे ना, ये छोटा सा गद्य था, इसलिए एक ही कक्षा में उसको आपको शायद मैं समझ रहा हूँ पूरा का पूरा आपको समझाने का भरसक प्रयास किया हूँ। वो भरसक में कितना सफल हो गया हूँ आप ही मुझे बोलना पड़ता है कैसे परीक्षा के द्वारा, इसीलिए परीक्षा के बाद हमें पता चलेगा। इसलिए वो लेसन को पढ़ाकर यानी समझाकर प्रश्न के लिए उत्तर भी देकर इस जो गद्य को मैं पूरा किया हूँ, इसलिए आप सबको धन्यवाद मेरे प्यारे तरुणा तरुणियों।